उपमंडल हमीरपुर का 3 दिवसीय बाल विज्ञान सम्मेलन राजकीय उच्च विद्यालय शासन में आयोजित हुआ, जिसमें विधायक नरेंद्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में 83 स्कूलों के 511 बच्चे भाग ले रहे हैं। 40 बच्चों ने विभिन्न विभिन्न मॉडल बनाकर सोच को साझा किया है। विज्ञान सम्मेलन का उद्देश्य विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि को बढ़ाना है, जिसके चलते ही आगामी 3 दिनों तक बच्चों के द्वारा विज्ञान के लिए बनाए गए मॉडलों का अवलोकन किया जाएगा। पहली बार विज्ञान सम्मेलन में अक्षम बच्चों के मॉडलों को भी शामिल किया गया और ऐसे बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल भी सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबयाल ने कहा कि आज विज्ञान ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। बच्चों को स्कूल स्तर पर मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंटरनेट का प्रयोग अध्यापकों व अभिभावकों के देखरेख में अपडेट होने के लिए करना चाहिए। इन कार्यक्रमों में पूर्ण एकाग्रता से भाग लेकर सोच को विज्ञान के साथ जोड़ें। उन्होंने कहा कि विज्ञान के प्रचार व प्रसार ने लोगों के बीच अंधविश्वास को मिटाने में मदद करता है। हमें विज्ञान की नई खोज एवं तकनीकों को अपनाकर साझा करना चाहिए। आज हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल शासन में बाल विज्ञान सम्मेलन का मंडल स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। इसमें 83 स्कूल्स के लगभग 511 बच्चे जो है भाग ले रहे हैं, और सबसे बड़ी जो एक बात कहना चाहूँगा कि इसी भीड़ के बीच में, इन्हीं बच्चों के बीच में हमारे पास 22 बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल हैं, या वो मेंटली रिटायर्ड हैं, या वो उनका जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, डिसेबल हैं, और वो बच्चे भी पहली बार इस कार्यक्रम में उनको हमने सम्मिलित किया है। और मैं समझता हूँ ये पूरे प्रदेश में पहली बार हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि विज्ञान का प्रचार और प्रसार किस प्रकार से हो, अंधविश्वास इस दुनिया से, इन लोगों से कैसे दूर किया जा सके, इस प्रकार की एक्टिविटीज साइंस में जो हम बच्चों को करवाते हैं, वहां के जो बच्चों के बीच में बहुत से आशंकाएं होती हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने ज्ञान सम्मेलन के लिए छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज का युग साइंस का युग है और इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस मौके पर उच्च शिक्षा कार्यालय से नंदलाल शर्मा, बलदेव धीमान, भाजपा अध्यक्ष राजेश गौतम, मंडल महासचिव राजेंद्र राणा, सुनील चौहान, संजीव कुमार, सोनी शर्मा, राजेंद्र ठाकुर आदि मौजूद रहे। आप सभी को पता है कि आज का युग जो वो सारा साइंस का युग है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ क्यूज में भी हिस्सा ले रहे हैं, मॉडल्स तरह तरह के बना के लाए हैं, और यही मॉडल आगे जाके हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े हो गए बच्चे जो साइंटिस्ट बनेंगे तो हमें प्रैक्टिकल तौर पे देंगे। ये आज विज्ञान के बिना लाइफ अधूरी है। विज्ञान है तो हम हैं, और आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आज से 20-25 साल पहले हमारी लाइफ क्या थी, और आज हम 21वीं सदी में कितनी हमारी लाइफ ईजी हो गई है। घर बैठे पूरे संसार को आप देख भी सकते हैं, और कोई भी ऐसा वर्ल्ड है वो आपका काम घर बैठे आप कर सकते हैं। ये साइंस की ही देन है, और मेरा इन्हीं बच्चों को यही संदेश है कि आज आप चिल्ड्रन साइंटिस्ट हैं, आगे जाके हम बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, और इस साइंटिफिक लाइफ में आपका हमारी टीम में बहुत बड़ा योगदान रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।